नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था तो प्रभावित हुई है, साथ ही लोगों की आय पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। देश में तो लोगों की नौकरी गई है, लेकिन विदेश में भी बड़ी संख्या में भारतीय बेरोजगार हुए हैं। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो मई 2020 से लेकर 4 जनवरी 2021 तक केरल में विदेश से करीब 8.43 लाख लोग लौटकर आ चुके हैं, लेकिन इनमें चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 5,52,000 लोगों ने वतन लौटने का कारण नौकरी चला जाना बताया है। कोरोना महामारी में नौकरी गंवाने के बाद केरल लौटे 5.5 लाख लोगों में से 1,40,000 लोग पिछले 30 दिनों में ही लौटे हैं। वहीं केरल लौटने वाले 2,08,000 लोगों ने वापसी का कारण जॉब वीजा एक्सपायर होने समेत अन्य कारण दर्ज कराए हैं। उनके अलावा अन्य बचे हुए लोगों में बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लोगों की नौकरी जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में केरल की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसमें खाड़ी देशों से केरल भेजे जाने वाले धन पर भी बुरा असर पड़ने की संभावना है। यही उसकी लाइफलाइन है। जो लोग लौटे हैं उनमें से अधिकतर पश्चिमी एशिया से आए हैं। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि हालात सामान्य भी हो रहे हैं और लोगों ने धीरे धीरे विदेश लौटना शुरू कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुवनंतपुरम के सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर राजन के अनुसार केरल में विदेश से भेजी गई रकम में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। केरल में 2018 में कुल 85,000 करोड़ रुपए विदेश में काम करने वाले राज्य के लोगों ने भेजे थे। इसके बाद 2020 में इसके 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान जताया गया था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में इसमें 10-15% तक की कमी हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।